केंद्र सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार, सभी स्वच्छता के लिए अभियान छेड़े हुए हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर घर में शौचालय हो, इसके लिए देश और प्रदेश की जनता को न केवल जागरूक किया जा रहा है बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता देकर शौचालय निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रह सके और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन शायद ये बात सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल को पसंद नहीं है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले ठेकेदार ही गंदगी फैलाने में लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के पीछे वाला सेप्टिक टैंक पिछले काफी माह से ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे गंदगी लगातार बह रही है और ये गंदगी बहते हुए अब रिहायशी इलाकों का रुख कर रही है, जिसकी वजह से यहां एक और अस्पताल में भर्ती रोगियों में बीमारी फैलने का अंदेशा है। वहीं अस्पताल के आसपास रह रहे लोग भी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं अस्पताल के पास रह रहे व्यक्ति ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके घर के पास से अस्पताल से निकलती गंदगी खुले में फैल रही है। गंदगी से उठ रही दुर्गंध से वह घर की खिड़कियां और दरवाजे तक नहीं खोल पा रहे हैं और गर्मी के मौसम में वह घुट घुट कर जी रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ये मेरे फ्लैट के सामने बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है ये। इसको अभी 2 साल भी नहीं हुए, इसका सीवरेज इतना बुरा हाल है कि मारा यहाँ जीना मुश्किल हुआ हुआ। सुबह शाम पूरे दिन की बदबू है यहाँ पे, सुबह घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरा बाहर बैठने का स्थान है और खड़े होने का स्थान है और साथ में ही मेरी किचन है जहाँ सबसे ज़्यादा स्मेल आती है। और मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट भी है जिसने वैसे तो सरवाइव कर लिया लेकिन इसकी बदबू के कारण वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। इनकी सारी हॉस्पिटल की सारी सीवरेज खुले में बह रही है और इसके बारे में हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी बोला है, तो एक्शन नहीं हो रहा है इस पर कोई भी किसी भी तरीके का।